दोस्तों महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारे में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 410 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नांदेड़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रशासन ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद तलवारों से लैस सिखों की भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। वहीं नांदेड़ हिंसा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि तलवारें लिए लोगों की भीड़ गुरुद्वारे से बाहर निकली और पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए। इस दौरान भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया। इस हिंसा में कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं नांदेड़ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि महामारी के चलते होला मोहल्ला का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई। गुरुद्वारा कमेटी को सूचित कर दिया गया था और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वे हमारे निर्देशों का पालन करेंगे और कार्यक्रम गुरुद्वारे परिसर के अंदर करेंगे। उन्होंने बताया कि हालांकि जब निशान साहिब को शाम 4 बजे द्वार पर लाया गया तो कई लोगों ने बहस शुरू कर दी और 300 से अधिक युवा दरवाजे से बाहर आ गए, बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस कर्मी पर हमला करना शुरू कर दिया। तम्बोली ने कहा कि 4 में से एक कांस्टेबल की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि भीड़ ने पुलिस के 6 वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। DIG ने कहा कि कम से कम 410 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 324, 188, 259 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।